मुद्दे पर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। जहां कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, वहीं भाजपा के अनुसार सब ठीक है। वहीं भाजपा के नेताओं को महंगाई पर कुछ तो बोलना ही है, लिहाजा वो उन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहते जहां जवाब देना उनके पहुंच से बाहर है। लेकिन महंगाई भाजपा के अनुसार इतनी नहीं है जिससे आम जनता को तकलीफ हो। भाजपा के अनुसार महंगाई कोरोना काल की वजह से है, बड़ी जरूर है लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात भी सही है जनाब कि महंगाई अभी इतनी नहीं बढ़ी है कि जनता बेहाल हो। शायद भाजपा सरकार यही चाहती है कि हर वर्ग अब महंगाई के खिलाफ आंदोलन की राह पकड़ ले। शायद फिल्म का वो गीत जो कभी भाजपा गुनगुनाया करती थी वो भूल चुकी है। सगी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। वो गीत आज भी सटीक बैठता है, लेकिन तब सत्ता कांग्रेस की थी और अब भाजपा की। तो क्या तब की महंगाई डायन आज भाजपा के लिए डायन नहीं है? वहीं कांग्रेस भी अब महंगाई के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और महंगाई के मुद्दे को सीढ़ी बनाकर जनता की हमदर्दी लूटने से पीछे नहीं हट रही, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। जब जन आंदोलन होते हैं तो उस जन आंदोलन में कई लोग प्रतिभाग करते हैं और जब कई लोग प्रतिभाग करते हैं तो इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न ये नहीं है कि महंगी साइकिल पे या सस्ती साइकिल पे। आज इस सरकार ने तो ये हालत कर दी, आप करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद लीजिए लेकिन उसमें जब आदमी पेट्रोल डीजल नहीं भरा पाएगा तो अभी तो हम साइकिल से कर रहे हैं तो उन गाड़ियों को जो है बैलगाड़ी से खिंचवाना पड़ेगा। ये हालत इस सरकार ने कर दी है।